नमस्कार दोस्तों। किसी भी धुन को आप 2 मिनट में तो सीख सकते हैं, लेकिन उसको वैसा कि वैसा बजाने में आपको 2 महीने भी लग सकते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं। अब उस लेवल तक के लिए आपको रोज डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि सीखना अलग होता है और साधना अलग होता है। तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सीखने लग जाते हैं, यहाँ से नोट्स लोगे, वहाँ से नोट्स लोगे, नोट्स लिखोगे, इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा, फिर उस गुरुजी के पास गए। लेकिन जब साधने की बात आई कि भाई खुद को करना है प्रैक्टिस डिसिप्लिन के साथ, तो वो डिसिप्लिन केवल 3-4 दिन का होगा, फिर आपका डिसिप्लिन गायब। ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है, आप ही अनोखे नहीं हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, आप घर बैठे बैठे डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करें और कोई धुन सीख सकें, वास्तव में सही चीज़, सही तरीके से संगीत सीख सकें, यही मेरा लक्ष्य है। तो आइए शोले की धुन जो माउथ ऑर्गन पे बजती है, बहुत फेमस धुन है, उसको वायलिन पे सीखते हैं। तो मैं सिंपल तरीका ही रखूँगा, इस धुन को कई तरीके से हम कई प्रकार के फिंगर्स से बजा सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल जो स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें आप सारे गमा पधनी सा बजाते हैं, उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ सिखाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। रोज 21 दिन तक अटेंडेंस बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखना है और Day 1 Day 2 यहाँ पे आना है रोज। इसको लाइव क्लास समझो, केवल 21 दिन, और देखो कि जो फर्स्ट डे बज रहा है वो 21 दिन जो 21st डे होगा कितना डिफरेंस आ जाएगा, कितना प्यारा बजेगा या कितना बेटर बजेगा। हाँ तो रोज डिसिप्लिन के साथ करना, देखते हैं कि कौन किस में कितना है दम, कौन कितना ईमानदार और डिसिप्लिन में रहता है। हाँ तो चलो सबसे पहले लिखने वाला काम मत करना है यहाँ पे, वो एकदम लास्ट में होता है, पहले धुन दिमाग में बैठाओ। अब अगर आपने ओरिजिनल धुन नहीं सुनी है तो फिर ये सीखोगे क्या मतलब है, पहले वो धुन सुनो। हाँ फिर यहां पे आओ और फिर ये सीखो। तो धुन के केवल 4 लाइन्स हैं, हर लाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे, ऐसे टुकड़ों में प्रैक्टिस करेंगे फिर जोड़ेंगे। तैयार? पहला, वायलिन पकड़ो अपना ऐसे और मेरे साथ गाओ। ये सी स्केल में ट्यून्ड है, पसा पसा ट्यूनिंग है, सी स्केल पसा पसा ट्यूनिंग। सा रे गधा गधा ग, रिपीट करो। सा रे गधा गधा ग, वेरी गुड। एक और बार रिपीट करो। सा रे गधा गधा का, फिंगर्स का प्लेसमेंट सही रखना है। सा रे गधा गधा ग, सा रे गधा गधा ग, मेरे एक्सप्रेशन को भी फॉलो करने का कोशिश करो। सा रे ग ध ग, लास्ट बार रिपीट करेंगे। सा रे ग ध ग। ओके अब इतना ही हम बजाएंगे, वायलिन ले लो अपना। अभी आपको मेरा फिंगर नहीं दिख पाएगा इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी मल्टी कैमरा सेटअप नहीं है, रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कल मुझे सुबह निकलना है, लेकिन बहुत दिनों से कंटेंट नहीं आया, तो आपको सीखना रुक जाएगा ना, तो अपनी नींद त्याग के आपके लिए, देखो आंखें बंद हो रही है मेरी। हाँ सा रे ग ध ग ध ग, लेकिन जिस तरीके से गाया वैसे ही बजेगा। ओके रे गधा गधा ग, सा
धा। एक और बार, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा बो को भी देखो मैं कैसे चला रहा हूँ। रे गा धा, जब धा आ रहा है तो मैं बल हल्का सा हाथ चला रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, वो जब हम स्ट्रिंग चेंज कर रहे हैं, तार चेंज कर रहे हैं, तो वो खराब आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो बहुत ध्यान से बजाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तो स्ट्रिंग बो जो है दूसरी स्ट्रिंग पे टच कर जाएगी, आवाज़ बहुत खराब आएगी। हाँ तो बो का प्रेशर का भी ध्यान रखना है। एक और बार, अब जहां पे हम रुक रहे हैं वहां पे विब्रेटो करेंगे, ये गा ऐसे ऐसे, देखो ये हल्का हल्का हाथ से, टाइट मत रखना। हाँ धीरे धीरे करना, आ जाएगा। हाँ लास्ट पर बजा रहे हैं, फिर सेकेंड लाइन करेंगे। कम ऑन, मैं गाऊंगा साथ में, रेडी। सा रे गधा गधा गा। हाँ ट्रांजिशन करते वक्त थोड़ा ऐसे कर सकते हो, सा रे गधा। चलो एक और बार, 1 2 3। हाँ ठीक है, सेकेंड लाइन करें। अब सेकेंड लाइन सेम है लेकिन वो गधर रे है, गध ग की जगह। तो पहले उसको गाएंगे, सा रे ग ध गधर रे गधर रे। हाँ अब आपको ये गधर रे का अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे ग तो आप बजा लोगे आराम से, है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन गधरे में आपको दिक्कत होगी 100%। तो चलो वो गधरे का ही प्रैक्टिस कर पाए केवल। हाँ गधरे, वापस गधरे गधरे, है ना। अब ध और रे एक ही पोजीशन पे आता है ना, ध और रे। थोड़ा सा उसको देखो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आवाज खराब हो जाएगी, तो वो बहुत ध्यान रखना है। हाँ मैं गा रहा हूं, आप बजाओ, आप लोग बजाओ, वायलिन बजाओ। हाँ गधर रे, रिपीट गधर रे, कोशिश करो गधर रे गधर रे। हाँ अब पूरा लाइन गाऊंगा, सा रे गा धा गधा रे। वेरी गुड, कोशिश करो आएगा, सा रे गा धा गधा रे। बहुत बढ़िया, सा रे गा धा गधा रे। लास्ट बार, सा रे गा धा गधा रे। समझ गए, अब जिस जगह पे आपका वायलिन अटपटा बज रहा है, जहां पे वो स्ट्रिंग चेंज हो रही है, जहां पे आपको लग रहा है कि ये अजीब सी आवाज आ रही है, उसको आप खुद उस पोर्शन को बैठ के सेल्फ प्रैक्टिस करो और सही करो। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में तैयार होगा तभी मजा आएगा, तभी वो हर टुकड़े बहुत अच्छे होंगे, फिर लास्ट में उनको जोड़ते हैं। हाँ ये सारे सेकंड लाइन, चलो बहुत रिस्की जगह है ये। अब जो ध है उसको थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि वो स्ट्रिंग चेंज हो रही तो आवाज खराब आ सकती है। सॉफ्ट बजाओ, हाँ पूरा बजाए सेकंड लाइन।
ओहो मेरा पैर सुन्न हो रहा है पूरा, हाय राम। हाँ कोई नहीं, चलो अभी दोनों लाइन बजाएंगे एक साथ, कम ऑन। मैं गाऊंगा, हाँ पैर सही कर लेता हूँ अपना, 1 मिनट। सा, मैं गा रहा हूँ आप बजाओ, ठीक है। सा रे गा धा गा धा गा, रिपीट करो वापस। सा रे गा। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मैं गाऊंगा फिर आप बजाना, ठीक है, उसी टाइमिंग के साथ, मेरे साथ साथ मत करो। हाँ हमारे क्लास में हम ऐसे ही करते हैं, जो मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है ना, तो कि मैं बजाता हूँ आलाप वालाप रख के, उसके बाद बच्चे फॉलो करते हैं, चाहे वो फ्लूट में हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हो, यही तरीका है। वायलिन में भी हम ऐसे ही करते हैं। हाँ सा बजाओ मत, हाँ। सा रे गा गा। अब बजाओ। टा 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 टा। सेकंड। सा रे गा धा रे। टा 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 टा। ओके हाँ, इसको अलग से खुद भी प्रैक्टिस करना। हाँ अभी आगे की 2 लाइंस। मा मा मा, चलो गाओ मेरे साथ, वायलिन पकड़ो अपना, ऐसे बजाना नहीं है, बजाना नहीं है बो के साथ, केवल फिंगर्स पहले सेट करनी है। मा गरे सारे नी, वापस। मा 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 गरे सारे नी, म गरे ग सारे नी, सॉरी म गरे सारे नी, म गरे सारे नी। हाँ अब बजाता हूँ, देखो मैं तीसरी लाइन सुनो पहले। अगर बो में कंजूसी करेंगे, डर डर के बजाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा, है ना। देखो वापस, देखो तो जो म है वो पहला एक्सटेंड हो रहा है, तो म गरे गस, सॉरी म गरे सारे नी। नी आप एक ही बो में ले सकते हो, म गरे सारे नी, समझे। म गरे सारे नी, हाँ मेरे साथ कम ऑन। ये बात थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है तो बिगड़ जाता है। वापस म एक बो में आएगा, म गरे सारे ने। जब भी आप स्ट्रिंग को चेंज करते हो तो ध्यान रखो कि वहां पे बो का आवाज थोड़ा कम कर दो, ताकि वो बैलेंस बना रहे, नहीं तो वो दूसरी स्ट्रिंग का आवाज बहुत तेज आता है तो बिगड़ जाता है, मतलब बिगड़ेगा तो नहीं बट वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा जो करना चाहिए। हाँ तो अभी तीनों लाइन एक साथ बजाते हैं, एक साथ था स्टार्टिंग से, मैं गाऊंगा अभी। 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा धा गधा ग, सा रे गा धा
धरे गमागरे, सॉरी गमागरे सारे ने, ये बिगड़ा मुझसे हाँ, गमागरे सारे ने। अब अच्छा बजा, थोड़ा सा वो ध्यान में, एक जैसे ही ध्यान भटकेगा बिगड़ जाएगा, एक एक डिटेलिंग होती है इसमें। हाँ वापस बजा रहा हूँ तीनों लाइन, पहले मैं बजाऊंगा पहली लाइन, फिर आप बजाओगे, मैं ब्रेक दूंगा, हाँ फिर सेकंड लाइन में, फिर आप साथ साथ मत करना। सारे गधा गधा ग बजाओ, तारे गधा गधा ग, सेकंड लाइन गधा रे बजाओ, सारे ग ध ध द गधा रे, थर्ड लाइन गमा गरे सारे नी, अब फोर्थ लाइन सुंदर लाइन है ना। तो देखो नी कैसे बजेगा, नी गाओ, बजाना मत अभी, नी सारे गमा पद नी, एक ही बोम आएगा, नी सारे गमा पद नी, ऐसे ही गाओ फीलिंग के साथ, नी सारे गमा पद नी, वापस नी सारे गमा पद नी। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दिया है तो सभी घर वालों के मोबाइल से करवा दो, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, हाँ तो मेरे प्रयासों को भी थोड़ा सा सराहना मिलेगी। आप प्लीज़ इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें, फ्री में होता है लाल बटन दबा के सब्सक्राइब, हाँ उससे ही तो मुझे प्रेरणा मिलती है ना कि जितने लोग जुड़ेंगे उनको उतना हेल्प मिलेगा, सब्सक्राइब करने से मेरा कंटेंट आप तक पहुँचेगा, बस आपको खबर मिलती रहेगी मैं क्या सिखा रहा हूँ। हाँ नी, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि समय समय पे मेरे वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे कि भाई आज मैंने ये वीडियो डाला, आज वो डाला, और लाइक तो करना ही है। नी सारे गमा पद नी, नी सारे गमा पद नी द मा, जाओ धपा धमा, आहा कितनी प्यारे धुन बनाई है यार। नी देखो, नी सिंपल लोगे ऐसे लो, नी सारे गमा बदनी दवा माग, हाँ मैं गा रहा हूँ, हाँ पहले मैं बजा रहा हूँ साथ में गा भी रहा हूँ, नी सारे गमा बदनी धपा धमाग धप ध माग धप ध माग, नी सारे गमा पद नी धप ध माग। चलो आप बजाओ, नी नी आवाज सही आनी चाहिए, नी सही जगह रखना है फिंगर, ऐसा नहीं यहाँ थोड़ा नीचे रख दो ऊपर रख दो, हाँ नी सारे गमा पद नी, सही फिंगर प्लेसमेंट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज, तो मेरे सारे गमा वाले सेशन में जाओ, रियाज सेशन में उसको भी रोज प्रैक्टिस करो, 21 डेज तक अटेंडेंस लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना, सीखने से कुछ नहीं होता है, साधना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ रोज, उसमें मेहनत लगती है जो आप करते नहीं हो, जो मैं करवा रहा हूँ। हाँ नी सारे गमा पद नी धप ध माग धप ध माग धप ध माग धप ध माग, नी सारे गमा पद नी धप ध माग। हाँ दोस्तों अभी इसको आप अलग अलग ऐसे ही प्रैक्टिस करो रोज, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है,
अब मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, आँखों में नींद चल रही है, सुबह जाना है। आशा करता हूँ कि ये लेसन आपके काम आएगा। रोज 21 दिन तक प्रैक्टिस करो और करके दिखा दो कि भाई घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं अगर सीखने का जज्बा हो तो। ठीक है, अगर मेरी किताब अभी तक नहीं पढ़ी संगीत मैं चिन्मय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो ज़रूर पढ़ना, बहुत शानदार किताब है, बहुत सारी जानकारी है। आप एकेडमी को फ़ोन करके भी मंगवा सकते हैं, हाँ, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, एकेडमी का, ऑनलाइन एकेडमी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और अमेजोन का लिंक भी है, ज़रूर पढ़ो, उसको भी सपोर्ट करो। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।